तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की प्रमंडलीय परिवर्तन संकल्प रैली को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। बीजेपी झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल होंगे। चुनाव सह प्रभारी ममता विश्व शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है। 11 बजे से बैठक का आयोजन किया गया है। चुनाव सह प्रभारी ममता विश्व शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी रांची से जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। रांची में बीजेपी की प्रमंडलीय परिवर्तन संकल्प रैली को लेकर के बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। ममता विश्व शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। बीजेपी की प्रमंडलीय परिवर्तन संकल्प रैली को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव सह प्रभारी ममता विश्व शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है। बीजेपी की प्रमंडलीय परिवर्तन संकल्प रैली को लेकर के बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम जानकारी के लिए रांची से रुचि जुड़ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ रुचि बैठक होने जा रहा है और इस बैठक में ममता विश्व शर्मा भी शामिल होंगे और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। क्या कौन कौन से मुद्दे पर यह बैठक होने जा रही है? अब बिल्कुल देखिए निशु, आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से पूर्व बीजेपी के कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। आने वाले दिनों में संकल्प परिवर्तन यात्रा है और परिवर्तन यात्रा इस बात का कि जन जन तक जा करके, चूंकि 6 जगहों पर यह संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और जो संकल्प यात्रा निकलेंगी उसमें जो केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर के जो बीजेपी के नेता होंगे वो भी शामिल होंगे। तो ऐसे में कैसे इस यात्रा को सफल बनाया जाए, परिवर्तन यात्रा को सक्सेस किया जाए, इसके लिए भी बैठक होगी। और साथ ही साथ देखिए, चूंकि लिस्ट जो है कई ऐसे विधानसभा सीट के लिए जो पहली सूची है वो जल्द ही जारी होनी है, तो उसके लिए भी राय शुमारी हो सकती है। और आगामी दिनों में जो चुनाव की रणनीति है, कई अलग अलग कार्यक्रम है, चाहे वो संकल्प एवं सुझाव अभियान की बात करें, सदस्यता अभियान की बात करें, उन सभी कार्यक्रम जो हैं वो कैसे हो रहे हैं, बूथ स्तर तक जो बीजेपी के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं वो कार्यक्रम अभी किस तरीके से चल रहा है, तो देखिए सभी चीजों की समीक्षा जो है, क्योंकि आज प्रभारी भी आने वाले हैं, चुनाव सह प्रभारी कल ही ममता विश्व शर्मा कल ही आ चुके हैं और आज वो प्रस्थान भी कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो बैठक में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि यहाँ पर उनकी उपस्थिति है, जो भाजपा नेता हैं आर के सिन्हा, उनके आवास पर वो अभी पहुंचे, हालांकि थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल करके भाजपा प्रदेश कार्यालय जाएंगे और 11:30 बजे का वो समय है जब केंद्रीय मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचने वाले हैं और वो भी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही जो बैठक में उपस्थिति होगी वो नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश उपस्थित रहेंगे, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह की उपस्थिति रहेगी, तो कई आला नेता जो हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी, किस तरीके से आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति होगी, उस पर कैसे कार्य करना है, कैसे एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके, एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाई जा सके, और साथ ही देखिए घटक दलों में एनडीए के जो घटक दल हैं उन घटक दलों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित हो पाएगा, इस पर भी चर्चाएं होंगी। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिसमें कि चर्चा होगी, कई आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी, लेकिन मुख्य रूप से जो परिवर्तन यात्रा है, जो बीजेपी की तरफ से 6 स्थानों पर परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी और परिवर्तन यात्रा में भाजपा नेता जो है वो इस बात का संकल्प लेंगे, चूंकि जन जन तक जाकर के, घर घर जाकर के, और ये सरकार के मैनिफेस्टो को एक बार फिर से याद दिलाने का कार्य करेंगे, चूंकि हेमंत सरकार की विफलताओं को बताने का कार्य करेंगे और केंद्र की कई योजनाएं जो चल रही हैं जो अब तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है इसको भी बताने का कार्य करेंगे। तो और आगामी दिनों में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो और कौन कौन से कार्य करेगी, देखिये अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की माने तो फिलहाल उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा में हुई अभ्यर्थियों की मौत पर सियासत तेज कर रही है, साथ ही रोजगार के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है, चूंकि हेमंत सरकार ने ये वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो अगर रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर के बीजेपी लगातार मुखर हो रही है।
और वहीं बात करें चाहे प्रभारी हो या सह प्रभारी हो या फिर कई केंद्रीय नेता हैं अलग राज्य के, चूंकि छत्तीसगढ़ के हाल ही में उप मुख्यमंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें उनका भी आगमन यहाँ हुआ था, तो केंद्रीय नेतृत्व की नजर जो है वो झारखंड पर है और इस बार कैसे झारखंड में सत्ता हासिल किया जाए, यानी कि कैसे एक बार पुनः सत्ता में स्थापित हो सके, केंद्र में एनडीए की सरकार है उसी तरह यहाँ पर भी एनडीए की सरकार बन सके ताकि कई विकास की योजनाओं को गति दिया जा सके। हालांकि देखिये उनके आगमन पर चाहे प्रभारी हो शिवराज सिंह चौहान हो या सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा हो उनके आगमन पर भी जमकर राजनीति हो रही है। अगर यहाँ सत्ताधारी दलों की बात करें या सहयोगी दलों की बात करें लगातार ये प्रश्न खड़े कर रही है कि अपने राज्य को देखें कई ऐसी योजनाएं जो हैं वो केंद्र नहीं पहुंचा रही है, यह आरोप लग रहे हैं कि जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं चाहे वो सरना कोड की बात करें या 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात करें या ओबीसी आरक्षण की बात करें या बकाये जीएसटी रॉयल्टी के पैसे की बात करें, उन सभी मुद्दों पर यहाँ सत्ताधारी दल और सहयोगी दल दोनों मुखर दिख रही है। लेकिन इनका कहना है कि बीजेपी को वो सारी चिंता है, केंद्र सरकार को वो सारी चीजों की चिंता है, पहले आप उन अभ्यर्थियों की चिंता करें जो जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों की चिंता करें, उनके लिए संवेदना प्रकट करें। देखिए कल जब हिमंता बिस्व शर्मा आए थे तो एयरपोर्ट से सीधे वो प्रदेश कार्यालय गए, प्रदेश कार्यालय से वो सीधे ओरमांझी प्रखंड के उस गांव में पहुंचे, अजय कुमार महतो के गांव पहुंचे, फिर विकास लिंडा के आवास पर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की और हर संभव सांत्वना भी दिया। और देखिए बीजेपी जो है उन मृतक के परिजनों को 1,00,000 रुपए मुआवजा राशि भी दे रही है और यह कहना है कि आगामी दिनों में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उन मृतक के परिजनों को एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस सवाल पर देखिए बीजेपी की तरफ से यह मांग रखी गई थी कि मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी दे, 50-50 लाख रुपए की राशि जो है वो देने का कार्य करे, लेकिन अब तक बता दी बीजेपी की तरफ से यही कहना है कि सरकार के कोई भी नुमाइंदे यानी कि अगर मंत्री की बात करें वो अब तक परिजनों को सांत्वना देने नहीं पहुंचे हैं। हालांकि पिछली कैबिनेट की हुई बैठक में 1,00,000 रुपए मंत्री के मध्य से जो है वो देने की घोषणा की गई थी लेकिन अब तक उन्हें वो सहायता राशि नहीं पहुंच पाई है। तो देखिए फिलहाल सियासत जो है इनके आगमन पर जारी है लेकिन बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रही है, बीजेपी पूरी तरह कमर कसी है और कैसे, चूंकि आगामी दिनों में देखिए प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, जमशेदपुर में वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त भी जारी करने वाले हैं, साथ ही साथ विकास की कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जानी है। तो देखिए पूरी तरह से चुनावी मोड में बीजेपी दिख रही है, हालांकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और खास करके एनडीए गठबंधन की बात करें, एनडीए में शामिल दलों की बात करें तो वो सभी चुनावी मोड में दिख रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज की जो बैठक होती है वो कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होती है, चूंकि परिवर्तन यात्रा की तैयारी चल रही है बीजेपी की, परिवर्तन यात्रा को कैसे सफल बनाना है, कौन कौन से प्रमुख नेता यानी कि कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होते हैं, 6 अलग अलग जगहों की बात की गई है तो कौन कौन से ऐसे 6 जगह हैं, पूरे राज्य भर में 6 ऐसे जगहों पर ये परिवर्तन यात्रा निकाली जानी है तो कौन से ऐसे खास जगह होंगे जहां की ये परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। हर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है कि वो घर घर जा करके, चूंकि सदस्यता अभियान को भी और तेज किया गया है, पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है जी। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनावी मोड में नजर आ रही है बीजेपी और आज हिमंता बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और विशेष मुद्दों पर आज बातचीत होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।